कोशिश करना कि जितना चंगा लगे क्योंकि उनके की जिम्मेदार आते हो भावे को बना दिया मैसी को बना दिया लेकिन ये जो मेन फैक्टर है जो मेन फैक्टर का पौधे ना पौधे को मुनाफा पास कर रहा वो नहीं अभी रख पाते जिसकी वजह ना सानू जरा सफेद मक्खी आ वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के देखो क्योंकि जब बूटे उग आते हैं जिम्मेदार का दिल नहीं करता सब तो इसलिए सानू छुपलाई जी मुनासिब रखनी चाहिए मुनासिब पौधे का पौधे को फासला रखना चाहिए जिनी भी ट्रिपल जी वराइटियां वा एफ एस 350 या सीकेसी या सीकेसी6 और सिल्वर 24 है जिन्या भी है तकरीबन वो सारियां है झाड़ीदार या नीम झाड़ीदार मतलब वो घेरा चंगा कर इसलिए अगर तो असी अगेती कपाह लाई हुई है मार्च के लाई है तो फिर साढ़ा पौधे तो पौधे का फासला घट तो घट दो लेकिन अगर असी आप हूँ भी इस ला रहे हैं तो 1.5 फुट तो 1 फुट तक कम अज कम 1.5 फुट तो एटलीस्ट लाजमी लंबा पा के जो पौधे जोड़े आपस में मिलन ना जो पौधे आपस मिलन में गए नहीं हवा का गुजर सोना होगा तो जो सफेद मक्खी है वह हमला जरा घटो क्योंकि जो आपस सफेद मक्खी सब तो ज़्यादा कंट्रोल उदो नहीं होती जो भी कलूनी बन जाती जो भी कलूनी बन जाती पत्ते जोड़े काले होना शुरू हो जाते कपाह भी आपस नीली होंगी है जो स्प्रे मस्सल नहीं होगा असं कभी तो दवाई असर नहीं करते अक्सर जाएगा जिम्मेदार कहते मैडम दवाइया दौर बड़ा जी मर्जी दवाई कर लो असर नहीं करती एक तो जो हवा का गुजर होएगा साढ़ा कीड़ा जरा वा वह घट अटैक करेगा दूसरा जरा स्प्रे मस्सल होगी और देखो एक जी स्प्रे का तरीका तो आदमी मैटर करता लेकिन जरा जिम्मेदार अक्सर कपाह लाने कपाह वो जिम्मेदार लाने जो शौक वो खर्चा भी चंगा करता शुरू के वो सब किस्म दियाँ स्प्रे कर दी और उस तो बाद जरा कीड़े की मुदाहमत आ जाती है कीड़ा कंट्रोल सफेद मक्खी को कंट्रोल करने सबसे पहले हमेशा पहला स्प्रे जरा किसी भी कीड़े से सॉफ्ट केमिस्ट्री का करना चाहिए इनसेक्ट ग्रोथ कैलकुलेटर ऐसा ज्यादा आईडिया ग्रुपियां जो कीड़े की ग्रोथ को रोकियां और पाइरीप्रोक्सिफिना या बैप्रोफुदीना ये दो ज्यादा जो अंडा बच्चा मार दिया सफेद मक्खी का क्योंकि सफेद मक्खी जी और अंडे बच्चे जोड़े वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाते बालक जरा वा असली आम तौर पर जाओ ना खेतों जिम्मेदार सफेद मक्खी देखता पौधे हिला के जे तो मक्खी उड़ती नज़र आती वह कहता खेत के हो सकता वो अंडे बच्चे चूंकि चिपके होंगे वह भी रस चूसते नुकसान पहुँचाते उस तो बाद अगली नस्ल बढ़ती है बालक मक्खी जी होंगी उन्हें तो अंडे देने होंगे जोड़े अंडे बच्चे वो नुकसान पहुँचाते इसलिए सफेद मक्खी को कंट्रोल करने जड़िया भी जहर अस इस्तेमाल करनी इनफेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर लाजमी पाने मतलब अगर किसी बालक मक्खी करते हैं तो पाइरीप्रोक्सिफिन या बैप्रोफुदीन का इस्तेमाल लाजमी उस तो अलावा असं देखो जहर इस अक्सर कहीं अमीटा ब्लॉक पहला जिम्मेदार जहर अक्सर स्प्रे करता जी अमीटा का अमीटा का असर होंगी सफेद मक्खी के तुम जिन्ना मर्जी खर्चा करी जाओ मतलब अमीटा का स्प्रे करी जाओ वो कोई असर नहीं करेगा अमीटा का स्प्रे नहीं करो ये मतलब सफेद मक्खी के खिलाफ मुजामत पैदा कर दी है असीटा।